आज देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। घर से लेकर बाजार और गली मोहल्ले सब सजे हुए हैं। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में आठवां दीपोत्सव बेहद खास रहा। एक साथ 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां बनाया गया, जिस पल के साक्षी केंद्रीय पर्यटन मंत्री के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा कई खास मेहमान रहे। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे, जहां सीएम सिद्धिपीठ श्री हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ साधु संतों से मुलाकात करेंगे और वहीं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। अद्भुत अलौकिक अयोध्या धाम, सुंदरता नैनाभिराम। लाखों दियों से जगमगाया सरयू घाट, बने वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम योगी का अयोध्या से ऐलान, मचा घमासान। सियावर रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज दिवाली है, पूरे भारतवर्ष का कोना कोना चमक रहा है और प्रभु श्री राम का धाम भी जगमगा रहा है। सुंदरता नैनाभिराम है, कहीं लेजर लाइट्स के अद्भुत नजारे तो कहीं मनमोहक रंगोलियां। ऐसा अलौकिक दृश्य जिससे नजरें हटाने को मन न करे। दिवाली से एक दिन पहले रामनगरी दियों से जगमगा उठी। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए और दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दो कीर्तिमान दर्ज किए गए। पहला, सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर 25,12,585 दिए जलाए गए और दूसरा, तट पर 1,121 विदाचार्यों, पंडितों, साधु संतों ने एक साथ सरयू की आरती की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव था, जिस पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, इसलिए इस बार का दीपोत्सव अद्भुत है। ये आठवां संस्करण है दीपोत्सव का और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। और मैंने उनको समय कहा था, विश्वास करिए, प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है। मौका दीपोत्सव का था, लेकिन सीएम ने पुरानी सरकारों को आड़े हाथ लिया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया करते थे, ऐसे लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई, लेकिन अब वो भी अयोध्या आना चाहते हैं। जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहाँ की सड़कों की स्थिति, यहाँ के घाटों की स्थिति, यहाँ के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है,
या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोंकना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने उन तमाम लोगों पर हमला बोला जो सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं और सनातन पर सवाल उठाते हैं। सीएम ने साफ किया कि सनातन के मार्ग में रुकावट बनने वालों की दुर्गति होनी तय है। लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। अयोध्या की फिजा मनभावन है। दिवाली को लेकर चप्पा चप्पा सजाया गया है। दीप लड़ियां अनोखी छटा बिखेर रही हैं और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है और धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग त्योहार का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये त्योहार किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, लेकिन अफसोस है इस त्योहार को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दिव्य उत्सव जरूर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, भव्यता के साथ होना चाहिए। भगवान हम सबके, हम लोग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, पर एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है। हम घर में पूजा करते हैं, एक दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते। मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी पॉलिसीज को अयोध्या की जनता ने 2024 में आईना दिखाने का काम किया कि धर्म अलग है, वो आस्था का विषय, वो निजी है, लेकिन राजनीति अलग है। अयोध्या से दिवाली पर सीएम योगी ने विपक्ष को कड़ा मैसेज दे दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष में घमासान मचा हुआ है।